आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मेरे रिकॉर्ड्स में आपके हाथ 91 पुलिसमैन और 150 निर्दोष सिविलियंस के खून से रंगे हैं। जब कोर्ट मुझे आपको इंटेरोगेट करने का चार्ज देगा तब देखेंगे कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 241 मौतें या आपका ये ना बोलने का अधिकार। जान का भरोसा नहीं होता, धंधा गोली से नहीं चलता। क्या फिल्म है साइकोलॉजिकल थ्रिलर पर बेस्ड? क्यों एक्टर दलकेर डर गए थे फिल्म को लेकर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। डायरेक्टर आर बाल्की अपनी अपकमिंग फिल्म चुप के साथ ऑडियंस को एंटरटेन करने आ रहे हैं। फिल्म की कास्ट की बात की जाए तो मेन रोल में होंगे सनी देओल, पूजा भट्ट और दलकेर सलमान। ये सभी स्टार कास्ट हमें इसी साल बड़े पर्दे में दिखाई दे सकते हैं। सनी देओल और पूजा भट्ट की अपकमिंग लेटेस्ट फिल्म हमें इस साल बड़े पर्दे में दिखाई देगी। ऑडियंस इस फिल्म का बहुत टाइम से वेट कर रही थी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि चुप साइकोलॉजिक चीजों पर बेस्ड है, तो क्या सच में ये फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर पर बेस्ड होगी? कैसी होगी फिल्म की कहानी, क्या दिखाई देगा हमें फिल्म में, चलिए जानते हैं। बॉलीवुड में कई बार अलग अलग टॉपिक्स पर फिल्में बनाई जाती हैं। कभी कभी कुछ सेंसिटिव टॉपिक को भी चुना जाता है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर रिलेटेड भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं बॉलीवुड में जो बहुत ज्यादा हिट रही, जैसे कि हैग्ड, साइको रमन, डर, रचनन एटसेट्रा और बहुत सारी। ये फिल्में लोगों ने बहुत पसंद की है। ऐसी ही एक फिल्म फिर से आ रही है जिसका नाम है चुप। ये एक साइकोलॉजिकल फिल्म है जो एक आर्टिस्ट पर बेस्ड होगी जिसको अपना रेवेंज लेना है। मेकर्स के मुताबिक ये एक टिपिकल फिल्म नहीं है बल्कि फिल्मों से बिल्कुल अलग और हटके है, या यूं कहें कि ये एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है जो चुप के मेकर्स करने जा रहे हैं। तो अब लगता है कि बॉलीवुड भी कोशिश कर रहा है कुछ नई और इंटरेस्टिंग फिल्में लाने की, और हमें उम्मीद है कि ये फिल्म हिट होगी। पर फिल्म में एक एक्टर दलकेर सलमान क्यों डर गए थे फिल्म को लेकर? क्यों वो शॉक हो गए थे जब उन्हें ये फिल्म ऑफर हुई? चलिए आपको बताते हैं। अगर हम फिल्म की बात करें तो सनी देओल और पूजा भट्ट के साथ ही दलकेर सलमान भी इस फिल्म में मेन रोल प्ले करने वाले हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब आर बाल्की ने उन्हें ये फिल्म ऑफर की थी तो वो थोड़ा डर गए थे। सलमान ने उनसे पूछा भी क्या वो सच में उन्हें फिल्म ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि उनका रोल ऐसा है जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है। उन्होंने ये भी बताया कि वो फिल्म के लिए बहुत क्यूरियस हैं, तो लगता है कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं फिल्म को देखने के लिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।